ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत। दरअसल बागवानों ने भी आज शिमला में प्रदर्शन किया। सचिवालय का घेराव बागवानों ने किया। आम आदमी पार्टी और युवा कांग्रेस भी समर्थन में नजर आए। अपनी 20 मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन बागवानों ने किया है। सचिवालय का घेराव आज किया। बागवान सेब के MSP जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी बागवान नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे और ग्राउंड पर जनता टीवी की टीम भी मौजूद थी, वो भी बताएंगे। फिलहाल आप तस्वीरों को देखिए। बागवानों की तरफ से प्रदर्शन, यहाँ पर रैली निकाली गई है बागवानों की तरफ से। हिमाचल प्रदेश में अब किसान बागवान जो है वो एकजुटता का किस तरह से यहाँ पे परिचय दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखें किस तरह से किसान बागवान जो हैं वो अब सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। 20 सूत्रीय मांगों का हवाला यहां पर दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 20 सूत्रीय मांगे जो हैं वो हमारी यहां पर हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार से लगातार संवाद जो है वो किया जा रहा है, लेकिन कोई जो बात यहां पर नहीं सुनी जा रही है। इसी बीच अब 28 ऐसे किसान बागवान के जो संगठन है वो यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आप देखें किस तरह से बैनर जो है वो लहराए जा रहे हैं और अब हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जो घेराव है यहाँ पर राज्य सचिवालय का, उसके लिए ये से बागवान जो है वो यहाँ पर निकले हैं। तस्वीरें आप देखें किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंचे हैं। महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जरूर यहाँ पर पहुंच रही हैं और ऐसे में मांगे कई तरह की हैं, जिसमें जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, सेब के कार्टन की अगर बात करें, अगर कीटनाशक की अगर बात करें, खाद की बात करें, तमाम ये चीजें हैं। 20 सूत्रीय मांगे हैं जिसकी बात यहाँ पर बागवानों की तरफ से लगातार की जा रही है। हजारों की संख्या में सड़कें पूरी तरह से भरी हुई हैं, तस्वीरें बयान करती हैं और ऐसे में आने वाले समय में भी ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। लगातार ये बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है और इन तमाम चीजों के बीच आप ये देखें कि अब लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बैनर, एक बार आप तस्वीरें जो हैं वो जरूर देखें किस तरह से महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। संयुक्त किसान मंच के जो संयोजक हैं हरीश चौहान, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हरीश जी, क्या मांगे हैं, क्यों आखिरकार सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए ऐसा है, संयुक्त किसान मंच पिछले 1.5 वर्ष से जो है अपने मांग पत्र जो है 20 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के पास देता हुआ आया है और सरकार जो है उस मांग पत्र को जो है अभी तक अनदेखी करता है। जब रोड़ू, ठियोग और बहुत सारे क्षेत्रों में आंदोलन हुए, उसके बाद जो है तब सरकार जागी। 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में एक बैठक हुई, लेकिन उस बैठक में जो है कुछ निर्णय जो है 5-6 निर्णय आए हैं और वो निर्णय जो है जमीन पर अभी तक नहीं उतरे, केवल मात्र घोषणाएं हुई है और उन घोषणाओं से जो है किसानों बागवानों को जो है कोई राहत नहीं मिली। इसके अलावा जो है हमारी 15 मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, उस पर अभी तक कोई भी जो है अभी तक निर्णय नहीं लिया गया, खासकर कश्मीर के तर्ज पर। और खासकर जो है इंपोर्टेड वाला जो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। 15 सूत्रीय जो मांग पत्र हमारा बाकी बचा है और 5 जो मांगे इन्होंने मानी है, उसको जमीन पे तुरंत उतारने के लिए सरकार से जो है आज ये मार्च हमने निकाला है। हजारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ऊपरी शिमला का जो इलाका है, जो सेब बहुल जो क्षेत्र है, चाहे वो चौपाल की बात कर लीजिए आप, अगर ठियोग अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जुब्बल कोटखाई की बात करें, रोडू की बात करें, तमाम ये जो इलाके हैं, रामपुर, नारकंडा और ये जो इसके साथ लगते जो इलाके हैं, तमाम जो ये इलाके हैं यहाँ से लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं और ऐसे में मांग सिर्फ एक ही है कि क्यों आखिरकार इतनी बेरुखी सरकार की किसान बागवानों के साथ है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला। तो आपने देखा कि आज 2 बड़े प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए, पहले कांग्रेस का और फिर बागवानों का।